हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोगों के बारे में। तो दोस्तों, एक वेबसाइट को प्रोफेशनल करने के लिए उस पर आपको अच्छा सा एक लोगो बनाना पड़ता है। तो लोगो आपकी वेबसाइट का से पहचान नहीं होते हैं, वो आपके एक ब्रांडिंग का निशान भी होते हैं। तो इस ब्रांडिंग को आगे बढ़ाने के लिए आपको अच्छा लोगो डिज़ाइन करना पड़ता है। उसके लिए लोगो डिज़ाइनर को आपको हायर करना पड़ता है। पर मैं आज जो तरीका बताऊंगा जिससे आप बिल्कुल ही प्रोफेशनल क्वालिटी लोगो फ्री में बना सकते हो, और कुछ क्रिएटिविटी आपके ऊपर है आप कैसा बनाएंगे। तो जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर वॉच करें। अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आपने बहुत सारे लोगो एडिटर को देखे होंगे जहाँ पे आपको लोगो एडिट करने की पूरा इंटरफेस मिलता है। इस पे ज़्यादातर नाम आते हैं कैनवा के। तो कैनवा पे पहले लोगों ने यूज़ करते थे, पर कैनवा पे जो जो एलिमेंट होते हैं, जो प्रो एलिमेंट, उसको आपको ख़रीदना पड़ता है अलग चार्ज देके। तो आज मैं आपको जो लोगो एडिटर के बारे में बताऊँगा जिस पे आप बिल्कुल ही फ्री में अपना प्रोफेशनल लोगो बना सकते हैं वेबसाइट के लिए, और यूट्यूब चैनल पे भी आप बना सकते हैं। तो इसके लिए जो एडिटर है उसका नाम है नेमचीप लोगो एडिटर। दोस्तों, आप जानते ही हो नेमचीप एक होस्टिंग कंपनी है। इस पे होस्टिंग आपको मिलता है और डोमेन भी मिलता है। इसके साथ नेमचीप ने कुछ दिन पहले उसका कुछ ऐप्स रिलीज़ किए हैं जनरल पब्लिक के लिए। मतलब अगर उसका होस्टिंग आप नहीं यूज़ करेंगे तो भी आपको इस पे लोगो एडिट करने की ऑप्शन मिलेगा। मतलब ये पब्लिक है, सब लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे देख सकते हो, ऐप्स पे जाएंगे। ऐप्स पे जाने के बाद लोगो मेकर आपके सामने आ जाएगा। लोगो मेकर पे जैसे ही क्लिक करेंगे, नेमचीप का जो लोगो मेकर है वो खुल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो क्रिएट योर लोगो, इस पे बोल रहा है क्रिएटिव ब्यूटीफुल लोगोस इन मिनट। एक मिनट में आप लोगो बना सकते हो, सुंदर सा लोगो। तो क्रिएट योर लोगो पे आपको क्लिक करना है। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, इसका जो लोगो इंटरफेस है वो खुल जाएगा आपके सामने। तो देख सकते हो यहाँ पे बोल रहा है आपके कंपनी का नाम उन्होंने मांगा है। तो मैं मेरा कंपनी का नाम देता हूँ, जो भी ब्रांड आपका है वो आप दे दीजिए। इस पे बोल रहा है टाइप ऑफ बिजनेस, आप ब्लॉगर हो तो ब्लॉगर दे सकते हो, जैसे कि मैं ब्लॉगर हूँ, साथ में यूट्यूबर भी हूँ, तो ब्लॉगर मैं दे देता हूँ। अगर इसको आप नहीं देना चाहते हो उसको आप ब्लैंक रखिए, क्योंकि ये ऑप्शनल है। आप देख सकते हो ऑप्शनल है, तो मैं देता हूँ। उसके बाद कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। या पे बोल देख सकते हो चूज़ ए स्टाइल, किसी भी स्टाइल को आप चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे तीन स्टाइल उन्होंने दिया है अपने नीश के हिसाब से। तो मैं से मिडिल वाला को चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद बोल रहा है यहाँ पे सीरियस और फ्रेश, तो पिक योर फेवरेट फॉन्ट, कौन सी फॉन्ट आप चूज़ करना चाहते हो वो आपके ऊपर है। तो मैं फास्ट वाला को चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद बोल रहा है थीन और थिक, तो मैं थिक को ही चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद बोल रहा है प्लेफुल और एलिगेंट, तो इसमें कुछ कुछ चीज़ बोल रहा है, तो डेवलपर के हिसाब से वो जानते हैं कौन से। तो इस पे बोल रहा है ऑर्गेनिक और जियोमेट्रिक, तो मैं जियोमेट्रिक की दे देता हूँ। उसके बाद बोल रहा है फंकी और नॉर्मल, तो फंकी देंगे तो पहला जो ग्लिच वाला है इसको भी आप दे सकते हो। तो ग्लिच वाला को मैं चूज़ कर लेता हूँ, हाँ ग्लिच वाला को चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद बोल रहा है कौन सी कलर पे आपका लोगो होगा, तो मैं इस कलर को चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद बोल रहा है ऐड ए स्लोगन, आपके वेबसाइट और ब्रांड की जो स्लोगन है वो आप दे सकते हो, जैसे कि मैं देता हूँ लर्न ब्लॉगिंग। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ और बोल रहा है पिक योर थ्री फेवरेट आइकॉन। इस पे आपको बहुत सारे आइकॉन दिखाई देगा, इससे आपको
तीनों आइकॉन को चूज करना है जो आप देना चाहते हो। जैसे कि मैं देता हूँ इसको, तीनों आइकॉन हो गया है, कंटिन्यू विथ थ्री आइकॉन, इस पर आपको जस्ट क्लिक करना है और इसका रिजल्ट ऑटोमेटिकली इसका एआई जो टेक्नोलॉजी है इससे वो जेनरेट करके आपके सामने दिखाएगा तीनों लोगो। तो देख सकते हो यहाँ पे पहला वाला जो लोगो है ये जेनरेट हो गया है और इसको आप डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल एचडी में, तो ये भी अच्छा लग रहा है। तो मुझे यही वाला लोगो चाहिए, तो उसके लिए आपको डाउनलोड पे क्लिक करना होगा। इस पे जस्ट क्लिक करेंगे तो इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो, मेरे वेबसाइट की हिसाब से यही वाला कलर अच्छा है तो इसको ही रखूँगा। उसके बाद टेक्स्ट पे क्लिक करना है, आप दूसरी टेक्स्ट देना चाहते हो, दूसरे स्टाइल पे देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद आइकॉन पे आइकॉन आप और भी जोड़ सकते हो इस पे, तो ये वाला भी छोड़ दीजिए। उसके बाद लेआउट पे क्लिक करेंगे, लेआउट पे भी और भी बहुत सारे कुछ यहाँ पे दिखा रहा है, आप अपने हिसाब से चूज कर लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, सेव पे क्लिक कर सकते हो। सेव पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये लोगो ब्राउज़र पे सेव हो गया है। उसके बाद डाउनलोड पे क्लिक करना है, जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे आपका लोगो क्रिएट हो जाएगा और डाउनलोडिंग प्रोसेस पे चला जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली एक जीप फाइल पे डाउनलोड हो जाएगा। तो जैसे ही डाउनलोड होता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपका लोगो डाउनलोड हो गया है सक्सेसफुली, आप नीचे देख सकते हो। इसको जैसे ही मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा तो इसके अंदर आपको PNG फॉर्मेट, JPG फॉर्मेट के लोगो आपके सामने कई तरह का फॉर्मेट पे आ जाएगा। देख सकते हो इस पे वेक्टर फॉर्मेट पे भी लोगो डाउनलोड हो गया है। तो अगर आप इस लोगो को दूसरे एडिटर से, मतलब फोटोशॉप से, एडोब इलस्ट्रेटर से एडिट करना चाहते हो तो इस वेक्टर फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हो। तो इसके लिए वेक्टर फॉर्मेट उन्होंने दिया है, तो इस पे और भी ये फाइल है, आप डायरेक्टली अपने वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, उस पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस पे इन्फो पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें बोल रहा है होप योर एंजॉय योर न्यू लोगो, हेयर ए पीपल दैट मेड योर ब्यूटीफुल लोगो हैपन। फॉन्ट नेम सारे कुछ इसमें दिखा रहा है, किसके द्वारा ये बनाया गया है, सारे कुछ इस पे डिटेल में दिया है। तो इस लोगो को आप कॉमर्शियली यूज़ कर सकते हो, इसके लिए आपको किसी भी क्रेडिट देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें बिल्कुल ही फ्री है सब कुछ, आप इस लोगो को कॉमर्शियली यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको अच्छे गाइड मिला है। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। ऐसी तरह ब्लॉगिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हम हमारे साथ जोड़ सकते हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए, गुड बाय।